दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि फाल सीलिंग किस प्रकार से करें। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा कि फाल जो है कर्टन को जो है मैंने कहीं कहीं पर टांग दिया, कहीं कहीं पर नहीं, एक्चुअली दोस्तों इसको मैंने जो है सारी जितनी भी कैंचियाँ हैं और कैंचियों के नीचे जो हमने जो ये देखिए ये आपको जो जाल जो बनाई है, मैं आपको जाल हाथ लगा के बताता हूँ, इसे दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये तार, ये देखिए जाल के ऊपर से, पाइप के ऊपर से हमने तार लगा जाली बना रखी। देखिए दोस्तों, ये फाल सीलिंग करने के लिए सपोर्टिंग हमने जीआई वायर डाल रखा है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो पुराने ही वायर यूज़ किया है उसके कारण जो है एक तो उसमें ज्वाइंट बहुत सारे आ गए। ये अभी देखिए ये ज्वाइंट बहुत सारे आ गए, तो ये कहीं ना कहीं पर ये सबसे बड़े नुकसानदायक रहेंगे। ये ज्वाइंट जो आ गए, एक तो ज्वाइंट आ गए और दूसरा जो एक नुकसान ये हो रहा है कि ये तार जो है हम फाल जैसे हम कर्टन डाल रहे हैं तो टूट रहे हैं, तो उसका भी हम इलाज कर देंगे। पहले हम कर्टन डाल दें, कर्टन को व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि कुछ हद तक तो जो है ये जो तार जो है हमने सिर्फ अभी सिंपल इस प्रकार से हमने तार मारे, जिस प्रकार से आपको पाइप दिख रहे हैं उस प्रकार से हमने पाइप मारे हैं, और हमने जिस प्रकार से हमने पाइप लगाए दिख रहे हैं आपको उसी प्रकार से हमने जीआई तार लगाए हैं। अभी हमने जो क्रॉस इनको जीए तार नहीं लगाया, उसका कारण भी मैं बता दूं, क्योंकि हमें कर्टन डालने में समस्या हो रही थी और तार जो है ज़्यादा टूट रहे थे, तो हमने सोचा कि जो अभी फ़िलहाल में जो है इतने तार तो हमने लगा दिए हैं पूरे फार्म में कि जो है कर्टन को सपोर्ट कर देंगे। अब हम एक बार पूरी फाल सीलिंग कर दें कंप्लीट, बाहर से स्क्रू मार दें अंदर और दोनों साइड से स्क्रू मार दें, उसके बाद में फाल को अंदर से सील दें, उसके बाद में जो है हम इस प्रकार से क्रॉस जो है हम जीए तार का सपोर्ट नीचे से मार देंगे, और उसके बाद में ही हम जो है दाने और पानी की लाइन को टांगेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, फाल सीलिंग करने से पहले दाने और पानी की लाइन को नहीं टांगे, क्योंकि फिर आपको बार बार जो है कूदाना पड़ेगा, मतलब दूसरी साइड में ले जाने के लिए आपको जो जीए वायर के बंडल को या फिर तार को बार बार निकालने के लिए आपको जो है बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको जो है इसीलिए हमने दाने और पानी की लाइन को अभी हमने नहीं टांगा है। अब इसी के साथ मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो कर्टन है ये पूरे के पूरे कर्टन जो है हर जगह से नहीं फटे हैं, ये उसी जगह से फटे हैं जिस जगह पे या तो वायर टच हो रहा था या फिर किसी एंगल में फंसने के कारण टूटे हैं। जब निकालने में भी जो है कर्टन बहुत सारे डैमेज हो गए और कंटिन्यू हवा का जो इस प्रकार से जो जंप कर रहे थे आपस ऊपर जाके टकरा रहे थे, फिर नीचे आके टकरा रहे थे, ऊपर और नीचे, इस प्रकार से जो है इसके कारण जो कर्टन बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं इसका क्या कर रहा हूँ कि मैं नीचे जो है ये पुराना ही कर्टन डाल रहा हूँ और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर भी ये भी करीब 90 GSM का कर्टन है, और ये मैं जब लेके आया था 2020 में तब ये 205 रुपये किलो मुझे मिला था इंक्लूडिंग GST। अभी जो मैं आज जो कर्टन लेने जा रहा हूँ वो राइनोरेप का कर्टन तो इंदौर में नहीं मिल रहा है, किंतु वो 15 दिन के ऑर्डर के बाद में मिलेगा। जब तक दोस्तों बहुत समय हो जाएगा, तो मैं सिर्फ डाइनोरेप का ही लेके आऊँगा 90 GSM का। तो दोस्तों, अब चूँकि मैंने सोचा था कि इसमें मैं 150 GSM का राइनोरेप का कर्टन लगाऊंगा, किंतु वो उसकी अबिलिटी के कारण कि मिनिमम 15 दिन लगेंगे और मैक्सिमम आपको एक महीना भी लग सकता है, तो उसके कारण दोस्तों मैंने सोचा कि 90 GSM तो ये हो गया, 90 GSM का मैं एक और लेके जाता हूँ तो 180 GSM अब मुझे चाहिए, 150 GSM, 150 से भी मेरा प्लस हो जाएगा 180 GSM और ये कर्टन भी मेरा काम में आ जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो सिंपल जो कर्टन है 90 GSM का वो लेके जाऊँ, दोनों को जो है पहले नीचे मैं पुराना वाला कर्टन कर दूंगा और उसके ऊपर मैं नया वाला कर्टन कर दूंगा, और उसके बाद में बाहर ले जाके और यहाँ से जब मैं कर्टन में जब स्क्रू मारूंगा, ये स्क्रू लगाऊंगा, तब मैं आपको वीडियो करके बताऊंगा कि यहाँ से इस प्रकार से कर्टन मान लीजिए यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ पे आएगा, तो हम अंदर की साइड से जाली के अंदर ही हम नीचे खींच लेंगे इसको, इस प्रकार से नीचे खींच लेंगे और बाहर जो हम कर्टन लगाएंगे उसके बाद में इसको नीचे खींच लेंगे, बाहर के कर्टन से हम स्क्रू से एक दूसरे को पेस्ट कर देंगे, पूरी तरीके से फार्म एयर टाइट हो जाएगा। अब फार्म के अंदर फिर हवा घुसने की कोई जगह नहीं रहेगी, तो एक तो डबल फायदा ये हो जाएगा कि ये कर्टन डबल होने से हमें जो ठंड के समय में ब्रूडिंग करने में मैं अलग से कर्टन डालता था उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो एयर लीकेज की प्रॉब्लम थी जो मुझे बार बार जो आ रही थी इसके कारण जो तापमान कम हो नहीं हो पा रहा था वो वाली समस्या भी मैं दूर कर दूंगा, और सबसे अच्छी बात कि फार्म का स्क्वायर फीट एरिया कम हो गया, पूरा वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से फार्म को जो है हमें सिर्फ तीन ही एग्जॉस्ट फैन में हम जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर और
अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये जो हम करीब तीन से चार बेच जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो भी कम खर्चे में। दोस्तों यही होता है कि किसी भी बिजनेस को आप अगर कर रहे हैं तो कम खर्चा कैसे करें। दोस्तों मैं चाहता तो इस जो हाइट थी उस हाइट में भी कर सकता था, ऐसा नहीं है, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं आ रही थी, किंतु मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आ रहा था। और अब चूंकि अब हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं और पैसे ही ज़्यादा खर्च करके काम करेंगे तो वो भी गलत है, तो इसके कारण मैंने सोचा एक ही बार पैसा लगाया जाए और एक ही बार पैसा लगाया जाए किंतु पैसा हम फार्म के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम या रिनोवेशन का काम हम एक बार करवाते हैं, किंतु सबसे जो बार बार जो लगने वाला खर्चा वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो बिजली बिल ज़्यादा लग रहा था उसके कारण मैंने ये काम करवा लिया। अब दोस्तों ये सिंपल सा पहले जो ये बहुत पास में लगा हुआ था उसके कारण बहुत ज़्यादा हाइट में था। अब ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से आप पाइप का सपोर्ट लगा दीजिए, इसको बीच में से मैंने सरिये का सपोर्ट दिया है। पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है बीच में भी यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताया, ये देखिए ये यहाँ पे एक एंगल है और उस एंगल से आपको ऊपर भी एंगल देख रहा है, ये दोनों पास पास में थे तो एक नट के माध्यम से ऊपर जो है उसका बोल्ट लगा हुआ है उसको फालसेलिंग करने के बाद में मैंने इस प्रकार से दोनों को कस दिया था ताकि तो इसके कारण जो है ये टाइट हो गया था। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम वजन में होने के कारण ये जो है पाइप थोड़ा सा जंप कर रहा है, तो इसको हो सकता है पूरा कंप्लीट करने के बाद में मुझे अलग से या तो नीचे से सपोर्ट देना पड़े या फिर मुझे इसमें ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाना पड़े फल चलिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद में ताकि मैं ये जो पाइप जो झुक रहा है ये पाइप झुके नहीं, तो इसके लिए हो सकता है मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़े, किंतु वो सेकेंडरी बात है। पहले मैं पूरे फार्म की फल चलिंग कर दूं, दाने और पानी की लाइन को टांग दूं, उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि ये पाइप जो है झुक रहा है तो मैं या तो नीचे से सपोर्ट कुछ करूँगा या फिर मैं ऊपर ही कुछ अरेंजमेंट जमाऊँगा। ये देखिए ये नीचे से देखिए ये हुक है, मतलब मैंने पाइप एंगल का टुकड़ा यहाँ पे वेल्डिंग किया, वहाँ पे भी एंगल का टुकड़ा वेल्डिंग करवाया और उसमें जो है एक नट का को परमानेंटली वेल्डिंग करवा दिया। इसको हम कसेंगे तो वो भी जो है ऊपर ये आराम से कसा के और फिट हो जाएगा। ये इस प्रकार से पहले का अरेंजमेंट था। अब बाद का अरेंजमेंट जो भी रहेगा वो मैं उसको जरूर मैं आपको करके बताऊँगा। दोस्तों फाल सीलिंग में सिंपल सा आप इस प्रकार से जे तार से ऐसे थोड़ा मोटी गेज का तार लें, क्योंकि ये तार बहुत हल्का तार आ गया, शुरुआत में मुझे अनुभव नहीं था